my all students, how are you? I hope you all are good. Students, today I will teach you about prime and composite number and also even odd. Okay, so let's begin today class. बच्चों, मल्टीपल एंड फैक्टर मैंने आपको समझाए थे, होप आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी. तो आज जो है हम मैं आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बताती हूँ. एक बार पहले हम इवन ऑड पढ़ लेते हैं. इवन नंबर, एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू इज कॉल्ड इवन नंबर. वो नंबर जिसके मल्टीपल्स, जो टू के मल्टीपल्स होते हैं या टू से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर. ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है. सेकेंड थिंग, कोई भी नंबर गिवन हो, अगर उसके वंस प्लेस पे ये नंबर है तो आप जो है वो इवन नंबर होते हैं. सेकेंड थिंग, एनी नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ टू इज कॉल्ड ऑड नंबर. जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते या टू से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं. तो वंस प्लेस चेक करेंगे हम. सेकेंड, आप ऐसे भी बता सकते हैं 97531. अगर वंस प्लेस पे होता है किसी भी नंबर की ये डिजिट, वो ऑड नंबर होते हैं. इस पे वीडियो मैंने पहले बनाई है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, अब प्राइम नंबर एंड कंपोजिट का जो डिफरेंट है वो आप अच्छे से समझिए. ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल एंड फैक्टर चैप्टर में प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. ओके, तो प्राइम नंबर, अ नंबर विद ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर. वो नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा वन. ठीक है, तो यानी कि जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स हों, वन एंड दूसरा वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर होते हैं. कहने का मतलब है, देखिए 2, 3, 5, 7 and 11 and 17, 23. अब आप कहेंगे मैम ये कैसे लिख रहे हैं. ठीक है, तो ये इसका ये बहुत इजी है बच्चों. अगर आपको बोल दिया जाए 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए, तो बहुत इजी है. कैसे, देखिए बच्चों, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ती हूँ तो एक तो ये 1 के टेबल में आएगा. ठीक है, 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आ जाता है ना, और सेकंड 2 के ही टेबल में आएगा. क्या 2 अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता. सेकंड थिंग, 3 1 के टेबल में आएगा और अपने ही टेबल में आएगा. ठीक है, 5 1 के टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा, 5 किसी और टेबल में नहीं आता. 7, आप बताइए क्या 7 कभी किसी के टेबल में आया है? 2 की, 3 की, 4 के, 5 के, तो एक 1 के टेबल में आएगा और एक खुद अपने ही टेबल में 7 में. अब 11 पे हम गए, 11 1 के टेबल में आएगा, तो 2 की टेबल में नहीं आता 11, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता. तो जिसकी भी टेबल में नहीं आता, यानी 2 फैक्टर हैं इसके सिर्फ, एक तो वो अपने टेबल में आता है, सेकंड वो 1 की टेबल में आता है. 17 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में 17 आता है? आप देखिएगा, नहीं आता है. तो सिर्फ 2 फैक्टर्स निकले. फिर 23, ऐसे कि मैंने लिखा है 23 का अगर हम टेबल में, किसी भी टेबल में देखें, चेक करें, तो 23 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और अपने ही टेबल में आएगा. यहाँ 100 तक नंबर, अब जैसे मैंने अगर 20 आपको बोलूँ तो 20 आता है 2 की टेबल में, 10 की टेबल में, 5 की टेबल में. ठीक है, तो और अगर 27 की बात करें तो वो नहीं, 27 जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 की, 3 के और जो है, हाँ 3 के, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो प्राइम नंबर. फिर 23 के बाद जैसे हमने मान लीजिए 31, आप देखेंगे 30 से 40 के बीच में जितने भी नंबर हैं, क्या 31 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता. उसके बाद अगर हम 79 ले लें तो ये भी सिर्फ 1 और 79 के टेबल में आता है. तो ये जो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं. ठीक है, अब सेकेंड थिंग है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट, ए नंबर विद ओनली टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होते हैं? जिसके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. ठीक है, मैं इवन और रफ करके आपको समझाती हूँ. ओके, तो ध्यान से देखिएगा. देखिए बच्चों, हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़ा था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और जो है जो दूसरा नंबर, वो जो जिसके
जो खुद की ही टेबल में आते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोजिट में हम बात करें तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिस नंबर के दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक नंबर देती हूँ 10, तो हम देखते हैं 10 के फैक्टर, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में एंड 10 की टेबल में। तो दो से ज्यादा फैक्टर है इसके, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। अगर इसी तरीके से मैं एक नंबर 12 ले लेती हूँ, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ, है ना, दो से ज्यादा फैक्टर। लेकिन यहाँ पर मैंने बात की थी क्या 1 के, देखिए 1 किसी, ये 11 किसी और टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और अपने ही टेबल में आता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से 1 to 100, मान लीजिए एक नंबर मैं 24 ले लेती हूँ यहाँ पे। अब इसके फैक्टर चेक करेंगे हम, 2 से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए तो 2, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है एंड 8 के टेबल में आता है एंड 12 के टेबल में आता है एंड 24 और खुद की ही टेबल में आता है। 13 2 ज्यादा 26 ज्यादा हो गया, तो उससे आगे तो नहीं, लेकिन 12, तो कितने फैक्टर हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 2 से ज्यादा फैक्टर, यानी जो वो नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, और जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वो आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है बच्चों। तो 1 to 100 तक में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक टेबल बनाइए उसमें प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर बताइए, तो इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल इसकी बना के जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है, मतलब मैं वीडियो उस पर बना दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा और खुद भी ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ यू, बाय।